हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है हमारे रेगुलरली वेडनेसडे क्लास में। तो हम लोग जो है अब अपने भागवतम का जो सीरीज है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। कैंटो वन चैप्टर टू। आज हम टेक्स्ट नंबर 8 से आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर हो जाएगा और हम लोग रीडिंग करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यस, तो ये सब बहुत ही फेमस श्लोक है श्रीमद भागवतम के, तो कृपया ध्यान दीजिए, इनका हम पाठ करेंगे। धर्मास्वनुष्ठिता पुंसाम विस्वक्षे न कथासुया न उत्पाद्ये यदि रतिम श्रमा एव हि केवलम। कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सकें तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। तात्पर्य, मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। निपट भौतिकतावादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कौन सा तात्पर्य चल रही है? आप कौन सा पढ़ रहे हैं? 1.2.8 पढ़ रहे हैं ना? कहीं आप प्रभु जी एक मिनट देखिए, तात्पर्य 2.8। हाँ एक मिनट जो शेयर हो रहा है स्क्रीन में, एक मिनट, नहीं तो फिर लोग वो हो जाएगा। हाँ हाँ, तो 6 हुआ। नीचे करो 7। मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। निपट भौतिकतावादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतएव उसकी वृत्तियां संकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। यह संकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से निम्न पशुओं में देखा जाता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र एवं विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। इन निपट भौतिकवादियों के ऊपर मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना तथा दार्शनिकपन या शरीर तथा मन के वही सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई बाद चलाना सम्मिलित होते हैं, किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है जो यदि शरीर में ना रहे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाएं। किंतु कम बुद्धिमान लोगों को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं होती। रुकिए एक मिनट। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं सूत गोस्वामी इन सौनादृश्य को बता रहे हैं, धर्म स्व अनुष्ठित पुंसाम। पुंसाम मतलब एक मनुष्य, अगर वो अपने धर्म का पालन करता है, कैसे धर्म? स्व अनुष्ठित। स्व अनुष्ठित मतलब जो उसका ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, जैसे ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का, शूद्र का है, जो उसके वर्ण और आश्रम अनुसार उसके लिए जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है वो करते वक्त धर्म स्व अनुष्ठित न विश्वक्षे न कथासुया। विश्वक्षेना भगवान कृष्ण का नाम है, भगवान विष्णु का और एक नाम है। उनकी कथा के प्रति न उत्पाद यदि रतिम, यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म का कर्म करते वक्त भगवान विश्वक्षेना या भगवान कृष्ण की कथा के प्रति रुचि उत्पन्न न करे तो वो जो उसके धर्म का पालन करना वो क्या है? श्रमा ये वही केवलम, यूजलेस लेबर है वो। तो यहाँ पर रिफ्यूट हो रहा है जो संसार में लोग कहते हैं कि मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहा हूं, मैं गृहस्थ हूँ, मैं मेरे पत्नी बच्चों को अच्छे से देख रहा हूँ, मैं मेरे ऑफिस में अच्छे से काम करता हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं समाज में के लिए कुछ करता हूँ, दान करता हूँ, सब करता हूँ। जो भी आप करो वो सब आप कर रहे हो और बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन अगर उसके अलावा उसको करते करते आपने भगवान की कथा में रुचि नहीं उत्पन्न करी है तो भागवतम कहता है वो बेकार श्रम है, वो एक फालतू का श्रम है। तो प्रपद तात्पर्य बता रहे कैसे शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है।
तो शारीरिक स्तर पे व्यक्ति जो है वो केवल अपने अपने परिवारजन, अपने शरीर के सुख और इनके बारे में ही विचार करता है, सोचता है। उसके ऊपर मानसिक तौर पे जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, फिलोसॉफी लिखते हैं, पोएट पोएम लिखते हैं और मन के रथ पे बैठ के चलते रहते हैं। मोस्टली आप देखो कि संसार में ये दो प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, शरीर और मन के उसके ही केंद्र में काम करने वाले लोग। लेकिन बहुत कम लोग को पता है कि इसके ऊपर भी आत्मा है, जिसकी भी कोई नीड है, जिसकी भी कोई दरकार है, आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए कोई भी, बहुत कम लोग ऐसा जो उसको समझ पाते हैं, ये प्रभु जी बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो प्रभु जी। हाँ एक मिनट शेयर कर रहे थे प्रभु जी, मैं पढ़ू? हाँ माता जी पढ़िए पढ़िए। ठीक है पढ़िए माता जी। चूंकि मूर्ख लोगों को न तो आत्मा की कोई जानकारी होती है और न इसकी इसकी ही कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस तरह पर है, परे है, किस तरह परे है, सॉरी, फल स्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। यहाँ पर आत्मसंतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मस्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से, प्रभु जी स्क्रॉल करना, तथा सूक्ष्म मन से परे है वह शरीर तथा मन एक मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता के जाने बिना केवल शरीर तथा मन का मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रहा रह सकता। शरीर तथा मन तो आत्मा को आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र है। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजड़े की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को इस पंछी को खुद पंछी की खुद की आवश्यकताएं जाननी चाहिए। आत्मा का एक मिनट माता जी। हाँ, तो यहाँ पर जो है प्रभा जी बता रहे हैं कि शरीर और मन के परे आत्मा है। तो कई बार क्या होता है, हम लोग ये बात थ्योरेटिकली तो समझ जाते हैं और बोलते भी रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसको जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। आप देखोगे कोई भी हमें कुछ गलत बात कह देता है या हमें कोई मानसिक तौर पे कोई कष्ट पहुंचाता है, तुरंत हम कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि अभी हम शरीर के स्तर पे नहीं है, सॉरी आत्मा के स्तर पे नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे मनुष्य को जो है हमें इस स्तर पे पहुंचना होगा। जब हम इस स्तर पे पहुंचेंगे तभी हम इन चीजों का बाह्य रूप से, इन चीजों को जो कवरिंग है हमारे आत्मा पर, उनसे हम बच पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो पंछी है, जो आत्मा है, जो एक पिंजड़े में बंद है, शरीर रूपे पिंजड़े में बंद है, तो केवल बाहर से अगर आप मान लो पिंजड़ा को पॉलिश करते रहोगे और अगर पंछी को उसका खाना नहीं दोगे अंदर, तो वो भूख ही से मर जाएगा। उसी प्रकार इस पूरे संसार में भी आत्मा को कोई खाना नहीं दे रहा, सब शरीर और मन को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं सबके सब। और क्योंकि आत्मा को उसका भोजन नहीं मिल रहा है, वो बेचारा अंदर ही अंदर घुट घुट के मरे जा रहा है। और इसलिए कितना भी कर लो, लोग पास धन है, संपत्ति है, यश है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है, फिर भी आनंद नहीं है जीवन में, फिर भी बहुत कठिनाइयां हैं। तो इसका कारण है क्योंकि जो बाहर का पिंजरा है उसको हम पॉलिश किए जा रहे हैं, लेकिन अंदर जो आत्मा है उसका कोई भी ध्यान नहीं रख रहा। तो ये बहुत जरूरी है कि उस आत्मा के का जो भोजन है उसको समय पर उसको दिया जाए। आगे पढ़ते हैं। मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ पढ़िए माता जी। आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन के सकुंचित्र क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवालों के बाहर जाना चाहता है। वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह
पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। अतएव हमें पूर्ण वृत्तियों धर्म में लगना होता है, जिनसे हमारी दैवी चेतना जगे। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है। और ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरुक्त नहीं करती है, यहाँ पर ऐसी वृत्ति को समय का अपव्यय बताया गया है। ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियां चाहे वे किसी भी वाद के रूप में हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहाँ तक कि मोक्ष कर्मियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्त्रोत्र को नहीं जान पाते। निपट भौतिकवादी व्यवहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थल से बंधा है, चाहे वह इस लोक में हो या अन्यत्र। यदि वह स्वर्ग लोक में भी चला जाए तो उसकी लालायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा पुष्ट किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो प्रभा जी बता रहे, देखो कि आत्मा का क्या रिक्वायरमेंट है, उसका क्या नीड है, वो है स्वतंत्र रहना। आप देखिए, हम लोग भी चाहते हैं स्वतंत्र रहना। हम किसी के अंडर कोई भी कंडीशंस जो हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं तो हम लोग उसको पसंद नहीं करते। लेकिन आप देखोगे ये शरीर जो है हमेशा कंडीशन रहता है, हमेशा। अभी बारिश आ गई है तो आपको छाता लेके निकलना पड़ेगा, नहीं तो भीग जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। ठंड आ गई है तो कंबल ओढ़ना पड़ेगा। गर्मी आ गई है तो एसी यूज करना पड़ेगा। ये कंडीशन है। हाँ, हमें अगर शौच आदि क्रिया के आभास हो रहा है तो उसको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ये कंडीशन है। आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपको रेस्ट, जितना भी आप चाहें काम करना, लेकिन आप नहीं कर सकते। तो ये सब कंडीशन है। और तो और, हम किसी बॉस के अंडर काम करते हैं तो हमको जबरदस्ती मेहनत करना पड़ेगा, वो जो कहेंगे हमें करना पड़ेगा। तो आप देखिए कितने सारे कंडीशंस हमारे शरीर के ऊपर लगा रखे हैं, कितने सारे चीजें। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इधर नहीं जा सकते, बंधन है ना बहुत सारे। तो आत्मा के लिए ये स्वाभाविक नहीं है, ये बंधन। आत्मा जो है वो नेचुरली स्वतः जो है वो एक स्वतंत्र है। लेकिन जब वो भौतिक संसार में आता है वो आत्मा, तो इतने सारे बंधन अपने सिर पे ठा लेता है और वो फिर उसके उस बोझ के तले दब जाता है वो, ये आत्मा। तो उसको स्वतंत्र जीने की आदत है, और वो स्वतंत्र तभी हो सकता है जब वो इस भौतिक चंगुल से बाहर निकले। तो एक्चुअली इस बात को समझना कि हम कंडीशन है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साक्षात्कार है। एक्चुअली लोग मानने को तैयार नहीं होते कि हम कंडीशन है। उनको क्या लगता है, क्या कंडीशन है हम? अरे मैं जो चाहूँ खा सकता हूँ, मैं जहां चाहूँ जा सकता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, हाँ मेरी जो इच्छा मैं पूरी कर लूँ। ठीक है, आप अभी ये बोल जा रहे हैं, ठीक है, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आप जो चाहो नहीं खा सकते, जहाँ चाहो नहीं जा सकते। आप बहुत धन होने के बाद भी हम बहुत सारे कार्य नहीं कर सकते, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी जिन पर क्रिमिनल केस लग जाता है तो वो लोग ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं, उन वो कभी विदेश नहीं जा सकते। तो पुलिस उन पर प्रतिबंध लगा देती ना। आप कई लोग तो दायरे पे कि आप 10 किलोमीटर अपने घर से दूर नहीं, आगे नहीं जा सकते, प्रतिबंध लगा देती है। तो यही माया देवी ने प्रतिबंध लगा दिया हम लोग के चारों तरफ, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं कर सकते। क्यों? और ऐसा नहीं कि हाथ पांव बांध रखा है, लेकिन वो तीन गुण जो रस्सी है ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उससे बांध रखी है माया, भयंकर रूप से बांध रखी है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते इस चीज को, क्योंकि वो जो कवरिंग है ना, माया की दो शक्ति होती है, आवरणात्मिका प्रक्षेपात्मिका। तो वो जो आवरण फैला देती है हमारे शरीर पर, उससे हमको लगता है हम बड़े खुश हैं, बड़े आनंद है। हमको अपने स्थिति में खुशी लग रही है, एक सुअर को उसकी स्थिति में खुशी लग रही है, उसको भी लग रहा है हाँ मैं तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा मेरे को मल खाने को मिल रहा है, मैं तो कीचड़ में मस्त लोट पुट रहा हूँ,
हाँ ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, उसका भी तो परिवार है, तो उसको उसमें आनंद आता है। ये है आवरणात्मिका, उस पर माया आवरण कर रखी, भाई तू सुअर के शरीर में खुश रहा, और हमारे पर मनुष्य शरीर में आवरण कर रखी है, बंदर को बंदर के शरीर पे आवरण कर रखी है, ऐसे सबको आवरण कर रखी है। लेकिन ये मनुष्य शरीर ही है जिसपे हम ये बुद्धि लगा सकते कि भाई मैं क्यों फंसा पड़ा हूं यहाँ पर, क्यों मैं यहां से निकल नहीं सकता है, ये बंधन क्यों मेरे ऊपर है ना। तो मान ली सडनली आपको उठा के जेल में बंद कर देंगे तो आप क्वेश्चन पूछोगे ना, भाई मेरे पास बंधन क्यों, मैंने क्या गुनाह किया, क्यों मेरे को बंद कर रहे हो। उसी प्रकार एक मनुष्य को ये प्रश्न पूछना चाहिए, इसको कहते हैं अतातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब वो प्रश्न पूछता है मेरे पास बंधन क्यों, क्यों मैं जो है, क्यों मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि आती है, क्यों मुझे तकलीफ हो रही है, मानसिक तकलीफ हो रही है, क्यों मेरा शरीर बीमार पड़ रहा है, ये सब जब प्रश्न पूछता है तब वो इस बंधन से निकलने के लिए प्रयास करता है। और यही है हमारा असली कर्तव्य इस मनुष्य जीवन में, कि हम इस बंधन से, जो कंडीशन नेचर है हमारा, इससे हम जो है बाहर निकलने का प्रयास करें, और यही हमें आत्म साक्षात्कार की ओर आगे लेके जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लो। कोई प्रश्न है किसी का इस पे, कुछ आपको कुछ कमेंट देना है, कुछ प्रश्न पूछना है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, मुझे पूछना था, जैसे कि आप बोले कि शरीर पे कंडीशन है और आत्मा कंडीशन फ्री है, तो मतलब कि मरने के बाद आत्मा कहीं भी जा सकती है क्या, अपनी मर्जी से? नहीं, अपनी मर्जी से नहीं ना, तो कंडीशन उसके ऊपर, सूक्ष्म शरीर का तो कंडीशन है ना, तो जो हम इस शरीर में अपने मन अहंकार बुद्धि से कर रहे हैं, तो मरने के बाद तो खाली शरीर छूटेगा, मन बुद्धि अहंकार थोड़ी छूटता है। मन बुद्धि अहंकार का जो कवरिंग है शरीर के ऊपर, वो उसके साथ, सॉरी आत्मा के ऊपर, वो उसके साथ रहेगा और वही नेक्स्ट शरीर में लेके जाएगा उसको। इसलिए तो अभी हम लोग इतना जो माइंड कंट्रोल ये क्यों, इस पे हम लोग इतना बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा मन और इंद्रिय संतुलन में नहीं हुआ मरते दम तक, हमारा मन पूर्णतया भगवान के चरण में नहीं लगा, बुद्धि वश में नहीं आई, तो ये मन मृत्यु के समय कोई भौतिक चीज सोच लेगा और फिर भौतिक जन्म उसको लेना पड़ेगा। जैसे लोग अभी कुत्ते को पाल रहे हैं, आप देखोगे, मैंने एक वीडियो भेजा था ग्रुप पे, तो है कैसे आदमी पूरा कुत्ते का नेल काट रहा है, उसको वॉशिंग पूरा साबुन से नहला रहा है, धुला रहा है उसको पूरा बाल पिल, तो उसकी चेतना कहाँ लगेगी मरते के समय, कुत्ते में लगेगी ना, तो नेक्स्ट कुत्ते का बॉडी रेडी है उसके लिए। तो इसीलिए आत्मा अपनी मर्जी से कहीं जा सकता, आत्मा वहीं जाएगा जहां सूक्ष्म शरीर उसको लेके जाएगा, जो सूक्ष्म शरीर ने सोचा है, जैसा शरीर सूक्ष्म शरीर ने बनाया है, आत्मा उसको वहीं वही वो सूक्ष्म शरीर उसको आत्मा को लेके जाएगा उस नेक्स्ट बॉडी में। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। मतलब प्रभु जी, जैसे लोग बोलते हैं कि लाइक मृत्यु के तुरंत बाद, समझो 12-13 दिन तक बोलते हैं कि घर में दिया जला के रखो, आत्मा वहीं पे भटकती रहती है, तो ये इसी का स्रोत है क्या? हाँ, तो वो जो 13 दिन बोलते हैं, जैसे ब्राह्मणों में 13 दिन होता है, अलग अलग ब्राह्मण क्षत्रिय में अलग अलग दिन होते हैं, तो वो दिन बोलते उसका जर्नी पीरियड है, तो आत्मा को यहाँ से यम लोक तक जाने के लिए उतना समय लगता है। इसलिए उन दिनों में कोई भी जब हम दान पुण्य करते हैं तो वो डायरेक्ट जो प्रेत है, जो आत्मा है, उसको लगता है। और जैसे उसको चप्पल, अगर किसी ब्राह्मण को चप्पल दान देते तो वो आत्मा को, एक्चुअली वो जो पाथ है ना, वो भागवत में मेंशन है, बहुत कठिन पाथ है वो, जैसे अंगारों पर चलने के समान होता है वो, इतना इतना कठिन होता है वो यम लोक जाने तक में। तो इसीलिए जो भी हम दान पुण्य करते हैं वो उस दौरान जो है उनको उसका फल मिलता रहता है, और उसके बाद जाके डिसीजन होता है कि भाई ये कहाँ जाएगी आत्मा, कौन से शरीर में ये आत्मा जाएगी। लेकिन वो अगर शुद्ध भक्त हो जा बन जाता है तो उसको ये सब यातना झेलना ही पड़ेगा, डायरेक्ट बैक टू गॉड है। कोई अगर शुद्ध भक्त हो जाएगा तो डायरेक्ट भगवान के साथ जा, वो लीला भगवान के धाम जाएगा डायरेक्ट। तो इसीलिए क्या है कि हम ये जो लोग ये पाप कर्म करते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली बहुत कठिन होता है ये पीरियड मृत्यु के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृता। कौन पढ़ेगा, पढ़िए। शब्दार्थ, समस्त वृत्ति पर कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार
जो जो लाभ जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, हम पहले ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा के पीछे पीछे स्वतः ही आ जाते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त है। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति के सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई न कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है, और अधिकांश लोग ऐसे धार्मिकता के प्रलोभनों अथवा आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो फिर ऐसे तथाकथित धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है। कृतियों के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आती है, जिसके बाद भौतिक लाभ और भौतिक लाभ के बाद इच्छा पूर्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति पूरी तरह से व्यस्त समस्त प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है, किंतु श्रीमद् भागवत के निर्णय अनुसार इस श्लोक में सुत गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो यहाँ पर सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि सारे जो हमारे ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है वो हमें करना चाहिए परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इन जनरल अगर आप देखोगे व्यक्ति संसार में कोई भी अपना कार्य करता है उसके पीछे मुख्य उसका लक्ष्य क्या है? धन कमाना, और धन और अर्थ कमाना। और क्यों अर्थ कमाना? क्योंकि उससे उसकी काम वास्तव की पूर्ति होगी, सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा। तो देखिए, घूम फिर के बात यहाँ जाती है, हर एक व्यक्ति अपने अपने इंद्रियों को तृप्ति करने में लगा हुआ है। हर एक व्यक्ति वो ये नहीं समझ पाता है कि एक तो मेरी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है, चाहे मैं उसको कितना भी भोग लूं उसको संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। और ये ज्ञान के अभाव के कारण पूरा एंडेवर जो आप देखिए, पूरे समाज का एंडेवर आप देखिए, एक व्यक्ति को कितना, कोई लोग कमा के बैठे रहते हैं जिनके पास दो दो तीन तीन फ्लैट होते हैं, तीन खाना क्या, वो 6 टाइम भी खा सकते दिन में, इतना पैसा उनके पास होता है, और वो शुद्ध घी में खा सकते, फिर भी शांत नहीं बैठते, और कमाना है। क्यों? क्योंकि मन संतुष्ट नहीं हो पाता है, इंद्रिया को कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। तो इसलिए सब चीज जो है वो आ जाता है बॉयल डाउन होकर के इंद्र तृप्ति के ऊपर, कि मेरे इंद्रिया संतुष्ट हो रही कि नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, धर्म एकांतस्य कामो लाभाय हिस्पृता। धर्म का लोग पालन करते हैं इंद्र तृप्ति के लिए। इवन धार्मिक कार्य भी जब लोग करते हैं ना, तो वो लोग किस लिए करते हैं? ताकि हमें स्वर्ग मिले। हमें, आप देखिए, कोई भी एक व्यक्ति अपने घर में हवन यज्ञ कराता है, पंडित को बुलाता है, उसको दान दक्षिणा देता है, उसका क्या, उसके मन में उसकी इच्छा होती है कि भाई मेरे घर में हवन हुआ है, तो हे देवता, हे भगवान, उसको पता नहीं कौन भगवान है, कोई भी जो भी हो, सब मेरे घर में धन की वर्षा करे। सुबह यही कहते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। हाँ, और लेकिन उसमें एक लाइन ये भी आता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन जब कोई मान लो ड्यूटी गया उसके घर और बोला कि प्रभु जी आप तो गा रहे हो, तेरा तुझको अर्पण, भगवान आ गया आपसे मांगने के लिए, सब कुछ दे दो, सब मंदिर में दे दो, देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि ये बोलने के अच्छा लगता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति उससे मांगता है तो उसको लगता है अरे सब मेरा भैया, कहाँ ले जा रहे हो। तो ये बोलना आसान है,
लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए क्या है, क्योंकि एक व्यक्ति इंद्र से इतने आसक्त होता है अपने इंद्र तृप्ति से कि वो नहीं छोड़ सकता। उसको जो इंद्र सुख उसको जो देगा, वो इंद्र सुख के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो क्योंकि इंद्रियां सुख उसको सबसे प्यारी लगती है, एक्चुअली वह सुख सुख नहीं है। अगर आप देखोगे शास्त्र अनुसार और जितने भी ऋषिगण हुए हैं वो यही बोलते हैं कि इंद्र सुख जो है वो सुख नहीं है। प्रहलाद महाराज तो यहां तक भी कह देते हैं कि वो इचिंग सेंसेशन है। जैसे एक व्यक्ति को पांव में हाथ में कहीं पर एक खुजली का बीमारी हो जाता है, तो जितना वो खुजली करता है उतना उसको आप देखोगे उसको लगता है कि रिलीफ हो रहा है। वो खुजली करता है उसको लगता है तो बड़ा आराम लगा, लेकिन खुजली जितना खुजली करेगा उतना और बीमारी बढ़ते जाता है और खुजली होता है, वो पूरा खून निकल जाता है आप देखते हो, ऐसा हो जाता है। इंद्र तृप्ति समान है, तो बोलता है वो इच के समान है, और वो इच जो है वो जितना आप उसको और इंद्र तृप्ति देते जाओगे वो और बढ़ता जाएगा, आग के समान और बढ़ता जाएगा, और आपको कभी संतुष्ट नहीं देगा, और वो उसका जो है तकलीफ बढ़ती जाएगी व्यक्ति की। हम ऐसे घोर इंद्र के सागर में फंसे पड़े हैं हम लोग, और इसका जार ना देखी कौन उपाय। हाँ, संसार दिया निसी हिया जले, भक्ति ठाकुर एक सॉन्ग में गाते हैं कि हे नरोत्तम ठाकुर गा रहे हैं, हे भगवान दिन रात मेरा हृदय जल रहा है ईर्ष्या से, क्रोध से, काम से, ना देखी कौन बार उपाय, कोई उपाय नहीं दिख रहा मेरे को, क्या करूं। आप देख लीजिए कि व्यक्ति इस संसार में कितना परेशान है अपने इंद्रियों को लेकर के। वो जानता है कि जो मैं भक्षण कर रहा हूं वो जहर है, फिर भी वो नहीं समझ पाता है ना। आप देखिए कई लोग जो है जो स्मोकिंग करते हैं उनको लंग में कैंसर हो जाता है, फिर भी वो नहीं रोक पाते अपने आप को। लीवर खराब हो जाता है ड्रिंकिंग करने से, फिर भी जाते हैं। वे विचार करते हैं कितने बेकार सी बीमारी उनको हो जाती है शरीर में, फिर भी नहीं रोक पाते अपने आप को। ऐसे हैं इंद्रिया, इसको वेनमस सर्पेंट के रूप से कंपेयर किया गया है, मतलब एक जहरीला सांप। तो जहरीला सांप जो है ना वो कितना ही मतलब आप उसको दे दो वो उसके मुंह में जहर ही रहेगा, कितना इसको दूध पिला दो आप, जैसे अगर आप बोलोगे इसको दूध पिला के इसका जहर कम नहीं होगा, वो पूरे दूध को जहरीला बना देगा वो। इसलिए इंद्रियों को जितना उसके विषय वस्तु से हम जोड़ेंगे ना उतना वो और जहरीला बनता जाएगा और वो और हमको ढसता जाएगा, है ना। तो हमको जो है इसीलिए क्या होता है कि इंद्र तृप्ति जो है ना इस पे वश करना बहुत जरूरी है। खासकर जो लोग एस्पायरिंग डिवोटीज हैं, जो लोग भगवान के सेवा करना चाहते हैं, तो हम लोग अपने इंद्रियों में वश रखना होगा। क्या खाते हैं, क्या विचार करते हैं, कैसे अपने इंद्रियों को क्या देखते हैं, क्या स्पर्श करते हैं, क्या सूंघते हैं, क्या हम सुनते हैं, क्या टेस्ट जीवा में देते हैं। जितना जल्दी इस इंद्रियों पर कंट्रोल पाया जाएगा, इसीलिए रूप गोस्वामी सबसे पहले क्या बोले, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा। धीर पुरुष उसको कहा जाता है जो अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है। इसलिए भक्ति मार्ग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सेंस कंट्रोल, क्योंकि सेंस कंट्रोल हो जाएगा तो माइंड अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। कई लोग डायरेक्ट माइंड को रोकने का प्रयास करते हैं, मन को डायरेक्ट करने का प्रयास करोगे बुरी तरह हार जाओगे। मन बहुत पावरफुल है, वो मानेगा ही नहीं, वो कोई भी रूप से मानेगा नहीं, बट सेंस कंट्रोल धीरे धीरे हम कर सकते हैं। जैसे केवल भगवान का प्रसाद खाना, भगवान का सुंदर दर्शन लेना, भगवान के बारे में ही सुनना, कथा कीर्तन सुनना, है ना। तो ऐसे करके सारी इंद्रियों को हमें धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगानी होगी जितना पॉसिबल हो सके, उससे इंद्रियों का शुद्धिकरण होगा। और जब इंद्रियों का शुद्धिकरण होगा तो आप देखोगे इंद्रियों के शुद्धिकरण से फिर आपका मन ऑटोमेटिकली जो है वो भगवान में लगना शुरू हो जाएगा। अभी हमारा मन नहीं लग रहा क्योंकि इंद्रिया इम्प्योर है, उसका इंद्रिया का जो इनपुट है वो इम्प्योर है, और इम्प्योर इनपुट से आपको आउटपुट भी इम्प्योर ही आएगा। तो इसलिए जो इनपुट आप अपने इंद्रियों को दे रहे हो वो थोड़ा उसको डिवोशनल बनाइए, उसको भक्ति में बनाइए। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि न एकांतस्य, इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी भी अपना कार्य मत कीजिए। तो ये बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट है। इसके मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जो काम धंधा करते हैं, जिससे आप धन कमाते हैं, वो इंद्र तृप्ति के लिए मत कीजिए, वो तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो आप सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कीजिए। मतलब आप धन कमाइए ताकि आप अपने भक्ति में उसको बढ़ा पाओ, उसको सेवा में लगा पाओ, उस लिए आप धन कमाइए, मेंटेनेंस हो जाएगा। अभी नेक्स्ट श्लोक में वो बताएंगे सूत गोस्वामी कि कोई भी
बुद्धिमान व्यक्ति को इंद्र तृप्ति के लिए धन नहीं कमाना चाहिए। और ये बात इस दुनिया में कौन मानेगा बताइए, अभी कोई नहीं मानेगा। सब बोले कह रहे इंद्र तृप्ति तो उसका पूरा गोल ही इंद्र तृप्ति है, मतलब वो तो जब अभी से अभी 2 तारीख आज हुई है तो जब सैलरी आता तो पूरा प्लान करके बैठा होगा कि अभी इतना पैसा यहाँ लगाऊंगा, इतना पैसा यहाँ करूंगा, यहाँ घूमने जाऊंगा, ये मूवी देखूंगा, वो करूंगा, है ना। जो लोग की सैलरी आती है तो वो 1-2 तारीख को ही मेन जो है उनका उनको या प्लानिंग शुरू हो जाता है, 1 हफ्ता पहले प्लान शुरू हो जाता है अभी पैसा आने वाला है कैसे कैसे प्लान करेंगे हम लोग, है ना। तो ये चीज है। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, कोई और पढ़िए जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। मनुष्य को चाहिए यहीं से पढ़ना ना प्रभु जी। हाँ पढ़िए, फिर नेक्स्ट लोग पढ़ेंगे। मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति ना अपनाए, ना कि ना ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्र तृप्तियों के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है इसका वर्णन आगे हुआ है। हाँ ये देखिए, भौतिक लाभ का प्रयोग कैसे किया जाता है, बहुत सुंदर श्लोक आया आगे। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। पढ़िए माता जी, सुंदर श्लोक है। जीवन की इच्छाएं इंद्र तृप्ति के की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की ही या आत्मा संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य की के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। एक मिनट रुकिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोलते हैं जीवन की इच्छा इंद्र तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होना चाहिए। जीवन की इच्छाएं जो डिजायर हमारे मन में आते हैं उसका गोल इंद्र तृप्ति नहीं होना चाहिए। तो एक स्वस्थ जीवन और आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आप जो भी धन कमाते हैं, एकदम प्रैक्टिकली आपको बताता हूं कैसे हम इसको कर सकते हैं। आप जितना धन कमाते हैं उसमें से आपके परिवार के लिए कितना आपको खर्चा लगेगा, जो लगेगा उसको अलग कर लीजिए, ठीक है। जितना बेसिक आपका मिनिमम है उतना एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, प्रॉपर लिखते थे टू मेंटेन बॉडी एंड सोल, आत्मा और शरीर को मेंटेन किया जाए उतना उतना आप अपना कमाइए। और या तो बाकी समय या तो आप इतना ही काम कीजिए कि जितना आपको अपना जीवन निर्वाह के लिए लग रहा है उतना कमा लिए, हो गया, बाकी समय भगवान की भक्ति में दीजिए। और या तो आप ज्यादा कमा रहे तो फिर जितना एक्स्ट्रा कमाया उसको भगवान की सेवा में लगाइए। जैसे कई लोग क्या करते हैं, जब वो ज्यादा कमाते हैं तो उससे वो क्या करते हैं, सेवा करते हैं, मंदिर में देते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, हाँ प्रसाद वितरण करते हैं, जो भी करते हैं। तो इसलिए क्या है, आपका लक्ष्य अगर कोई व्यक्ति को कर्म करने की बहुत इच्छा है, करो कर्म, कमाओ लाखों करोड़ों 1000 करोड़ कमाओ, लेकिन सब को फिर भगवान की सेवा में लगा दो। ये प्रभुपाद जी ने सिखाया। या 2 चीज है, या तो आप इतना कर्म करो ही मत, आप पूरा अपना सेवा टाइम जो है अपना भगवान की सेवा में लगा दो, वो एक बात है। दूसरी चीज है कि आप कमा रहे हो तो कमाओ लेकिन उसको भगवान की सेवा में लगाओ। इन दोनों में से कोई एक चीज आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है इस भौतिक संसार के चंगुल से निकलने का बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर आप अपने कमाए हुए धन को सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाए जा रहे हो तो फिर आप, ये खतरा है जीवन के लिए, ये बहुत, ये आपको और एंटेंगल करता जाएगा और संसार के दलदल में ऐसा फंसाता जाएगा, ये आपको कभी निकल नहीं पाओगे, कभी नहीं, और तकलीफें बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य जितना अर्जन करके रहेगा उसको उतना छोड़ने में तकलीफ होगी, है ना। तो मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, ट्रेन में एक बार 2 लोग जा रहे थे तो एक व्यक्ति जो था बड़ा धनी था, उसके पास बड़ी कॉस्टली घड़ी, कॉस्टली चेन और ये सब पहन के जा रहा था। तो सामने वाला व्यक्ति था वो पूरा गरीब फटीचर था, उसके पास टूटी फूटी चप्पल और एकदम सिंपल सा घड़ी और पैसे जेब में कुछ पैसे नहीं, कुछ ये नहीं। तो क्या है, दोनों जब जा रहे हैं तो एक स्टेशन बाद ही जो है कुछ लुटेरे चढ़ गए ट्रेन में, ठीक है। तो ये जो गरीब व्यक्ति था ये पहले सोच रहा था कि अरे यार देखो भगवान कितना इस व्यक्ति को देखो कितना खुश है, ये इतना धन है इसके पास,
हाँ 500-500 का नोट दिख रहा है, बढ़िया सोने की घड़ी दिख रही है, मस्त चश्मा इसका ब्रांडेड है, ब्रांडेड शूज है, पूरा कोट पेंट टाई मस्त पहना हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। मैं देखो मेरी किस्मत क्या है, मैंने क्या गुनाह किया था, ऐसे कोस रहा था अपनी किस्मत को। जस्ट एक स्टेशन पार हुआ, ये लुटेरे चढ़े और लुटेरे इन दोनों में से दोनों को देखे, किसको लूटेंगे, जिसके पास ऑब्वियस सी बात है धन है और वो घड़ी चश्मा, उसको बंदूक दिखाए, निकाल सारा। अब एक एक करके उसकी कॉस्टली घड़ी निकाल रहा है, चश्मा निकाल रहा है, उसका पर्स निकाल रहा है, पैसा निकाल रहा है, बहुत रोना आ रहा है उसको, कुछ कर नहीं सकता, रो रो के दे रहा है, याद कर करके, ये तो मेरी माँ ने मेरे को बर्थडे में गिफ्ट दिया था, ये तो मेरी पत्नी ने चेन दिया था मेरे को, ये मेरा इतना मेहनत कमाया हुआ पैसा है, ये ऐसे करके रो रो के दे रहा है। अरे ये व्यक्ति जो सामने बैठा था, इसको लोग देखे, ब्लैट फटीचा तेरे पास एक रुपया नहीं है, चल तू ऐसे ही बैठे रहा, उसको कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं हुआ। तो ये सडनली बहुत खुश हो गया उस समय, ये बोला अरे वाह देखो भगवान बचा लिया, आज अगर मैं बहुत धनी होता तो शायद मेरे जान को भी खतरा हो जाता। ये है संसार। तो क्या है, जितना अर्जन करके रखेंगे उतनी समस्या के आगे क्या आएगी जा करके, उसको छोड़ने में तकलीफ आएगी, बड़ी तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। तो इसलिए शास्त्र कहता है उतना ही करें जितना आपके लिए, हाँ और थोड़ा जैसे रूप गोस्वामी ने सिखाया, सो अगर आप जितना धन लगाते हैं 50% जो है आपके संरक्षण के लिए और 50% जो है धार्मिक कार्य ये सब के लिए लगाना चाहिए। एक्चुअली 50-25% खुद का वो होता है, 50% धार्मिक कार्य और 25% जो इमरजेंसी के लिए, ये क्लासिफिकेशन दिया गया है शास्त्र में। ऑफकोर्स प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से करना चाहिए, वो अपने देश काल पात्र को देख कर करना चाहिए। तो इसीलिए क्या है कि हम लोगों को बहुत बुद्धिमानी से भगवान के सेवा में सबको लगाना चाहिए। अगर आप बहुत सीरियस हैं भगवत धाम जाने के लिए और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो इसको प्लानिंग कीजिए। कई लोग क्या होता है अपना फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली बताऊंगा तो सडनली क्या है, जब भक्ति में आते सब कुछ एक बार छोड़ देते हैं, जो होगा भगवान देखेंगे, लेकिन जब फाइनेंशियल नीड आती है तब वो फंस जाते हैं। और कई लोग क्या इतना धन के पीछे भागने लग जाते हैं कि समय दे नहीं पाते, दो चार माला भी जप नहीं कर पाते, दोनों ही सही नहीं है। ऐसा प्लानिंग कीजिए कि जब आपका जीवन का अंत आ रहा होगा, जैसा जब आप 45-50 साल के आसपास होगे, 50-55 के, तब आपको ये कमाने का कोई सोच नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो भगवान गीता में क्यों कहते हैं, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट बिजायते, जो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक भक्ति करके शरीर छोड़ता है वो बहुत धनी परिवार में जन्म लेता है। अब धनी परिवार में जन्म लेने के इससे क्या फायदा क्या है, धनी परिवार में जन्म लेने का फायदा ये है कि आपको उस समय कमाने के बारे में ही सोचना पड़ेगा, आप स्वतः भक्ति कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे हमें इस्कॉन में कोई जब ज्वाइन करता है फुल टाइम ब्रह्मचारी, तो अगर उसके घर की स्थिति बहुत अच्छी है तो उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और वही अगर एक व्यक्ति जिसको ज्वाइन करना है उसके घर की स्थिति खराब है, तो उसको कमाना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा, उसको सारे चीज करने पड़ेंगे, तो फंस गया ना वहां पर। तो यही होता है, इसलिए क्या है हम लोगों को ऐसे प्लानिंग करना चाहिए कि मेरे पास भक्ति के लिए सफिशियंट समय बचे, अभी भी थोड़ा थोड़ा करते करते है, और आगे जाके सफिशियंट समय बचे कि मेरे पास फाइनेंशियल प्रेशर नहीं आए मेरे पास, है ना। ऐसा प्लानिंग करना चाहिए, ये इसका मतलब है। और इंद्र तृप्ति में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन में पैसा ऐसे छुमंतर होगा आपका, आप समझ भी नहीं पाएंगे। सेंस ग्रेटिफिकेशन करने में चाहे वो 1,000 करोड़ का मालिक क्यों ना हो, वो खत्म हो जाएगा पैसा। हमेशा याद रखिए, कोई भी ठहरा हुआ पैसा टिकता नहीं है पास में, आज तक ये देखा नहीं गया, नहीं टिकेगा वो कहीं ना कहीं चला जाएगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाएगा, इधर उधर लूट लेगा, ये सब हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, प्रभुपाद जी बताते कि अधिक कमाने के बजाय अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए उतना कमाइए और साथ साथ भक्ति करते जाइए, आपका जीवन सुखमय रहेगा। और नहीं तो जो लोग बहुत हैंकरिंग करते हैं, बहुत ज्यादा चीजें, वो ना तो अभी भक्ति कर पाते और आगे जाके ना तो पैसे का सुख कर दे पाते। मैं बता रहा था पिछले क्लास में कि पहले लोग अपना शरीर को खराब करके पैसा कमाते हैं और फिर उसी पैसा गवा के शरीर को कमाने का प्रयास करते हैं। तो अभी जो यूथ है पूरा, वो शरीर को गला करके 12-13-14 घंटा मेहनत कर करके पूरा शरीर बर्बाद कर लेंगे और धन कमाएंगे, और फिर बाद में सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए वही पैसा लगाएंगे। फायदा क्या हुआ, जीरो। सुख तो कभी नहीं मिला, पहले मेहनत करते करते सुख नहीं मिला और बाद में बीमारी की वजह से सुख नहीं मिला। देख लीजिए जाके, बहुत लोगों का यही समस्या है, सुख कहाँ मिला उसको, सुख नहीं मिलता। इसलिए क्या है, ये एक माया का बुना हुआ जाल है, जहां पर वह आपको कभी भी वो सुख नहीं लेने देगी। इसलिए क्या है, बुद्धिमानी से काम लेकर के
उतना ही परिश्रम करें जितना आपको आपके परिवार को दरकार है, और बाकी समय भगवान की भक्ति में लगाएं। सुख तो वहीं से मिलेगा, क्योंकि भक्ति को छोड़ के कोई सुख नहीं दे सकता, और सुख नहीं है संसार में वो कोई चीज का। इंद्र तृप्ति में आपको जो लगता है वो सुख नहीं है, वो इल्यूजन है, वो सुख नहीं है। इंद्र विषय वस्तु कभी सुख नहीं दे सकती है, संभव नहीं है ये चीज। ठीक है, चलिए इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभा जी क्या लिखते हैं? यस, हाँ पढ़िए। जीवन की इच्छाएं इंद्र तृप्ति, तात्पर्य तात्पर्य। ओके, पूर्ण रूप से मोहग्रस्त, पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्र तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्र तृप्ति ही चरम लक्ष्य होता है, चाहे राजनीति हो या की समाज सेवा, परोपकार, परहितवाद या धर्म, यहाँ तक कि मोक्ष में भी वही इंद्र तृप्ति के रंग की प्रधानता बढ़ती ही जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के नेता अपनी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्र तृप्ति कराने का वचन देते हैं। जब मतदाता अपनी इंद्र तृप्ति में असंतुष्ट हो जाते हैं तब वह नेता को पदच्युत करा देते हैं। नेताओं द्वारा मतदाताओं की इंद्रियों की तुष्टि न करके उन्हें सदैव निराश करना पड़ता है। अन्य क्षेत्रों में भी यह लागू होता है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है, यहाँ तक कि परम सत्य से तदाकार होने की इच्छुक पथगामी मुमुक्ष भी इंद्र तृप्ति के लिए आध्यात्मिक हत्या करने तक को उघत रहते हैं। किंतु भागवत, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट शेयर कीजिए। ये लाइन देखिए जो यहाँ पर लिख रहे हैं कि यहाँ तक कि परम सत्य से तदाकार होने के इच्छुक, मतलब जिन लोग को भगवान की प्राप्ति करनी है, पथगामी मुमुक्ष मतलब पथगामी जो इस पथ पर चल पड़े हैं, इंद्र तृप्ति के लिए आध्यात्मिक हत्या करने तक को उद्यत रहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये मत सोचिए कि आप अभी एक बार भक्ति में आ गए हैं तो आप अब जो है आपको इंद्र आपको माया नहीं पकड़ेगी, आपको माया नहीं छुएगी, बस आप बच गए हो, आप अब सेफ हो, आप कुछ नहीं। कुछ हद तक ये सही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, है ना। इसका उदाहरण एक बहुत सुंदर देते हैं। जैसे आप देखो, जब आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, आप जानते होंगे कंप्यूटर में एक होता है स्लीप और एक होता है शटडाउन। स्लीप मतलब हाइबरनेट। तो उसमें क्या होता है, जब आप हाइबरनेट करते हो, स्लीप मोड में डालते हो, तो कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि ये बंद हो गया है, लेकिन उसको छूते ही, थोड़ा माउस आप छूओगे, वो वापस चालू हो जाता है। वो शटडाउन नहीं होता, पूरी तरह से स्विच ऑफ नहीं होता है। तो क्या होता है, जब हम लोग भौतिक संसार से, जो हम लोग भौतिक संसार में फंसे होते, इंद्र तृप्ति में फंसे होते, जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हमारी बहुत सारी आदतें अभी स्लीप मोड में चली गई है, है ना। बहुत सारी आदतें स्लीप मोड में चली गई है, मतलब हम लोग अभी जो है, स्लीप मोड का मतलब क्या है कि जस्ट एक मिनट, तो क्या होता है, जो स्लीप मोड में क्या होता है कि जब हम लोग भौतिक संसार से यहाँ पर आते हैं
तो हमारी जो इंद्र तृप्ति के जो वासनाएं हैं वो मोमेंटली स्टॉप हो गई है। मोमेंटली मतलब क्या होता है, आपको एसोसिएशन वैसा नहीं मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप लोग मेटेरियल वर्ल्ड में जो हम लोग रहते हैं तो हमारा संग ऐसा होता है कि वहां पर इंद्र तृप्ति की बातें चल रही है, ठीक है। अब आप भक्तों के संग में आ गए तो भक्तों के संग में क्योंकि आपको वो अवेलेबल ही नहीं है, है ना। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी कोई व्यक्ति है जिसको चाय पीने की बहुत आदत है, ठीक है, उसको चाय बिना मॉर्निंग में चलता ही नहीं है, तो उठते उसको चाय चाहिए नहीं तो सर दर्द हो जाएगा। बट हमने देखा है कभी कभी जब हम यात्रा लेके जाते हैं, अब यात्रा में इस्कॉन यात्रा में तो कभी भी चाय अवेलेबल होता ही नहीं है, क्योंकि आप कहाँ पियोगे चाय, वो टेम्पल में मिलता नहीं है। और इससे क्या होता है कि जब उसको मिलता ही नहीं है चाय, तो मैंने देखा है कि उनको वो महसूस भी नहीं होता पीने का, क्योंकि अवेलेबल नहीं है और भक्तों के संग में है तो जो प्रसाद भक्त खा रहे वो भी खा रहा है, वो संग में उसकी सारी आदतें खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो वापस घर आता है फिर से उसको चाय चाहिए। अब अगर वो भक्तों के संग के दौरान एक हायर टेस्ट डेवलप कर लेता है तो उसके विल पावर डिटर्मिनेशन से वो चाय को छोड़ देता है। मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं, एक एक यात्रा में लोगों ने अपनी ये सब आदतें छोड़ दी है क्योंकि उसने कुछ ऊंचा टेस्ट प्राप्त कर लिया है। लेकिन अभी खतरा क्या होता है, हम वापस से उन आदतों में जा सकते हैं, समझ रहे ना। इसीलिए हमेशा याद रखिए हाइबरनेशन इज नॉट टर्मिनेशन, तो सावधान रहना होगा। इसलिए कई बार भक्त लोग क्या होते हैं, कैलस बन जाते हैं, वो लोग साधना नहीं करते ठीक से, जपा नहीं करेंगे, भक्तों के संग में नहीं आएंगे, बुक रीडिंग नहीं में नहीं आते हैं, क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं। तो जब श्रवणम कमजोर पड़ जाता है ना तो माया हावी होने के लिए तैयार बैठी है। इसलिए बोलते हैं ना, कृष्ण भूलिया जीव भोगवान चक्र निकट स्थर माया झापटिया धरे, तुरंत पकड़ लेती है ता करके। ये बहुतों के साथ हो जाता है, भक्तों के साथ। तो आप ये मत समझिए कि अभी हम भक्त बन गए हैं, हम तो इतना क्लास सुन लिए, हम तो इतना माला जप कर लिए, इतना प्रोग्राम कर लिए, इतना फेस्टिवल कर लिए, इतना डांस कर लिए, इतना प्रसाद खा लिए, अब माया हमारा क्या बिगाड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, ये गलत फहमी है। अभी तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि जहां माया मायातीत, हम गुणातीत नहीं हुए अभी तक। इसलिए सावधान होना चाहिए। इसलिए साधुओं के लिए खास कहा गया साधु सावधान, हमेशा सावधानी बरतनी पड़ती है कि कहीं पर भी। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे स्पिरिचुअल लाइफ में चलना मतलब एक ब्लेड से आप जब शेविंग करते हो उसके समान है। तो ब्लेड में आप देखो थोड़ा सा ध्यान हटाना, थोड़ा सा कट जाएगा, पूरा खून निकल जाता है, थोड़ा सा भी तो आप करके थोड़ा सा इधर ये हुआ तो कट जाता है। तो इसीलिए क्या है, ये भी स्पिरिचुअल लाइफ है। तो कई इसलिए प्रभात बोलते थे जान मुझ करके आध्यात्मिक आत्महत्या करने के लिए प्रयत्न मत कीजिए, जान मुझ करके ये गलतियां ये भूल मत कीजिए कि आपको जो इतना सुंदर जीवन आपको मिला है भक्ति का, समाहोदर भगवान और भक्तों की कृपा से, इसको भूल करके भी खोने के लिए कोई बेवकूफी या गलती मत कीजिए, है ना। तो इसलिए क्या होता है, ये इंद्र तृप्ति का ऐसा भयंकर तूफान आता है कभी कभी जीवन में, क्योंकि हमारी पूर्ण वासनाएं अभी तक खत्म नहीं हुई है ना, वो अंदर है, वो बीज रूपी में अंदर बैठी हुई है। जिस दिन उसको मौका मिलेगा वो तुरंत अंकुरित हो जाएगी, तुरंत एकदम बड़ा रूप ले लेगी और आप विवश हो जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे उस समय, आप मति फिर जाती है व्यक्ति की, है ना। तो उसको फिर जो है, आप यहां तक भी हो सकता है कि जो बातें आज आप लोगों के विरुद्ध कह रहे हो शास्त्र से, कल आप शास्त्र के विरुद्ध कहना शुरू कर दोगे, यहां तक भी लोगों को देखा गया है। तो फिर शास्त्र से हम जस्टिफाई करेंगे क्यों हमें इंद्र तृप्ति करना चाहिए, हम वो भी करने को तैयार हो जाएंगे। ये है माया। इसलिए क्या है, विद्वान अपी न कर सकती, मतलब विद्वान लोग भी जो है ना वो लोग भी इसको वो जीत नहीं सकते। तो इसलिए क्या है, जब शास्त्रों में जो नियम है बताए गए हैं, जो गुरु आदेश से प्रभुपाद जी में सिखाते हैं, उनको गंभीरता से लेना चाहिए। इसलिए भक्ति में बहुत लोग आते हैं, खास करके हमारे जीवन में हमने देखा है बहुत लोग भक्ति में आए, लेकिन टिके कितने लोग हैं। इसलिए जब शिला प्रभुपाद जी को इस्कॉन को छोड़ के जाता था तो प्रभुपाद जी को पूछते थे लोग कि प्रभुपाद ही हैज लेफ्ट इस्कॉन, वो इस्कॉन छोड़ के चले गए। प्रभुपाद जी ने कहा Don't be surprised how many have left. Be surprised how many are staying back. इतना आश्चर्य मत कीजिए कितने लोग छोड़ के चले गए, क्योंकि ये बहुत आसान है, क्योंकि माया इतना प्रकोप है कि छोड़ना बहुत आसान है। आप ये आश्चर्यचकित कीजिए कि इतने लोग अभी भी भक्ति कर रहे हैं। तो जो लोग भक्ति करे उनको देख करके आप इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़िए, जो छोड़ के चले गए उनको मत देखिए, क्योंकि क्या है, ये जर्नी है, हम सब एक जर्नी में चल रहे हैं अभी। तो जिस कुछ कुछ लोग उतरते जाएंगे बीच बीच में स्टेशन में, उतरते जाएंगे, लास्ट तक पेशेंस नहीं रखेंगे कुछ लोग,
तो उनको देख करके हमें विचलित नहीं होना है, हमें अपने मार्ग पे चलते रहना है, चलते रहना है, अंत तक चलते रहेंगे। कोई साथ में जाए नहीं जाए वो उसका है, बिजनेस है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको भक्ति में टिके रहना है, सेंटिमेंटली मत टिकिए भक्ति में, सेंटिमेंट पे मत भक्ति करने का प्रयास कीजिए कि अरे वाह इतना अच्छा प्रसाद, इतना अच्छा कीर्तन, इतने अच्छे प्रभु जी, इतने अच्छे डिवोटी, ये वो आज है कल नहीं हो सकता है ना। ये संभव है कि जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है वो कल नहीं भी हो सकता है, ये संभव है। इसीलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, सत वस्तुओं पे अपना वो डालना चाहिए विश्वास। सत वस्तु क्या है, हरिनाम, श्रीमद भागवतम, भगवान कृष्ण, शिला प्रभुपाद, जो लोग इटर्नली हमारे लिए मौजूद है, जो लोग इटर्नली हमारे साथ रहेंगे। इसलिए कई बार लोग सेंटिमेंट में भक्ति करते हैं कि अगर ये भक्ति कर रहा है तो मैं भक्ति कर रहा हूँ। समझ, जैसे दो दोस्त आते हैं भक्ति में तो वो बोलता है कि अगर ये कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ, जैसे ये गया ये भी गया, ये सेंटिमेंटल भक्ति है ना। या कई लोग सेंटिमेंटल भक्ति कैसे करते हैं, शुरू शुरू में बहुत प्रेम मिलता है, बहुत पैटिंग होता है, बहुत महाप्रसाद मिलता है, ये सब होता है तो अरे वाह बड़ा मजा आ रहा है। जैसे ही उनको थोड़ा डांट फटकार मिला, थोड़ा सा करेक्शन मिला, थोड़ा सा उनको किसी ने करेक्ट किया, छोड़ी चल जाते, अरे मेरे को क्यों करेक्ट कर दिया, अब तक तो इतना प्रेम दे रहा था, अब क्यों मेरे को क्यों, मेरे में दोष कैसे हो सकता है, फॉल्स ईगो की वजह से चल जाते लोग। तो इसका मतलब ये है, इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी है भक्ति में, ये मजाक नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ भी कहते हैं कि भक्ति करना मतलब आपने माया से वॉर छेड़ दिया है, माया से अपने युद्ध छेड़ दिया है, और माया उस ताक में बैठी हुई है कि जब, ऑफकोर्स डरने की बात नहीं है, ना डरिए मत, मैं ग्राफिकली बता रहा हूँ, लेकिन क्या है उस ताक में बैठी है कि ये कब गलती करेगा और मैं इसको दबोच लूंगी। तो ऐसी गलती ना हो इसलिए साधु संग बहुत जरूरी है। बार बार साधुओं के संग में आओ, बार बार भक्तों के संग में आओ, बार बार ये भागवतम पढ़ना जरूरी है, बार बार हरिनाम करना जरूरी है, नियमित रूप से हर दिन हमें जो हमारा प्रेस्क्राइब्ड सेवा है, हमारी जो साधना है उसको करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, इफ यू टेक भक्ति कैजुअली यू विल बिकम कैजुअलिटी, कैजुअली लोगे भक्ति को तो कैजुअलिटी बन जाओगे, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मतलब है। चलिए तात्पर्य खत्म करते हैं। यस, कोई और पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ू? किंतु भागवत कथन है, पढ़ो अभी, पढ़ना है आपको, मैं किंतु भागवत का कथन है कि मनुष्य को इंद्र तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए, इंद्रियों की तुष्टि वही तक की जाए जहां तक आत्म संरक्षण हेतु आवश्यकता हो, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, चूंकि शरीर इंद्रियों से बना है और यह इंद्रिया कुछ ना कुछ तुष्ट चाहती है, अतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, किंतु इंद्रिया अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है। उदाहरण विवाह यानी स्त्री तथा पुरुष की युति संतानुक्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता। स्वच्छ विरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है, किंतु मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि यह परम सत्य की खोज में लगते ही स्वयं परिवार नियोजन हो जाता है। परम सत्य की खोज करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में वे पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। अतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही चरम लक्ष्य मानना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी होगा, क्योंकि वह तरह तरह की इंद्र तृप्ति में कम लिप्त होगा और वह परम सत्य क्या है इसकी व्याख्या आगे की गई है। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ला रहे हैं कि
अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और इससे बचने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, अपने आप को बिजी रखिए। जितना भगवान की सेवा में बिजी रहेंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन दूर रहेंगे। जैसी खाली बैठे तो माइंड इंद्रजीत मांगे। बाय डिफॉल्ट माइंड का बाय डिफॉल्ट बहुत जन्मों से इंद्र तृप्ति जो है हमने उसका डिफॉल्ट प्रोग्राम बना दिया बाय डिफॉल्ट, है ना। जैसे आप गूगल में जब बार बार आप कोई वर्ड टाइप करते हो और फिर जैसे ही आप उसमें मान लो आप बार बार माइंड 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 सर्च कर रहे हो तो जब एम मारोगे ना तो माइंड आ जाता है ऑटोमेटिक, है ना, क्योंकि वो पकड़ लेता है ये व्यक्ति को यही वर्ड चाहिए। आप मोबाइल में व्हाट्सएप में लिखते हो तो अपने आप वर्ड आ जाते हैं ना। वैसे ही हम लोग बाय डिफॉल्ट बहुत जन्मों से इंद्र तृप्ति कर करके माय डिफॉल्ट माइंड का प्रोग्राम है सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इससे बचना है तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू इन्वॉल्व आवरसेल्व्स फुल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए सेवा लेते जाइए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। डोंट कीप योरसेल्फ फ्री। आइडल माइंड डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर है। तो एक सबसे अच्छा तरीका है इंद्र तृप्ति से बचना है, अपने आप को बिजी रखिए, सेवा में बिजी रखिए। इतना बिजी रखिए कि आपको समय ही नहीं मिले सोचने के बारे में। एक्चुअली प्रभुपाद जी कहते थे पुराने जमाने में इस्कॉन में कि इतना सेवा देते थे प्रभुपाद जी लोगों करने के लिए कि वो रात को आते थे ना, 8-8 घंटा कीर्तन करते थे बाहर जाके, 8-8 घंटा बुक डिस्कशन करते थे। तो रात को आकर के वो ऐसे पस्त, मतलब उनको ये भी नहीं पता चलता था कि कपड़े भी बदलने कि नहीं बदलने, आके बस बेड पे लेटे सो गए और सुबह मंगलाती उठ जाते थे। इतने वो बस, एक बार एक ड्यूटी बता रहे थे वो इतने प्रोग्राम में बिजी हो गए कि वो रात को आए, है ना। तो एक डीओटी ने उनको कहा, प्रभु जी ने, कि प्रभु जी मेरे को पानी दे दो, ठीक है। तो ये पानी का ग्लास लेके आए तब तक मैं, ये व्यक्ति करके सो रहा है पूरा, एकदम पूरे गहरी नींद में एकदम सोया पड़ा है। इतना थका हुआ था ये व्यक्ति कि उसको प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ खाना वाना सब भूल जाते हैं। ऑफकोर्स ये एक एक्सट्रीम लेवल है, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी माइंड शुड बी ऑक्यूपाइड कि अभी क्या सेवा करे भगवान के लिए, क्या करे कल, क्या करे। तो जिनका ऐसा प्लानिंग रहेगा वो लोग बचे रहेंगे, नहीं तो क्या रहेगा, आइडल माइंड डेविल वर्कशॉप। खाली पड़े रहेंगे, कुछ करने को नहीं है, माइंड को इंद्रित भी चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं ये बचने का। इसलिए खास करके जो लोग बाहर रहते हैं, हम लोग तो सौभाग्य मंदिर में जो है कुछ ना कुछ चलते ही रहता है वो है, लेकिन जो लोग बाहर घरों में रहते हैं तो आप लोग के लिए बहुत मौका है इंद्र तृप्ति का। तो इसलिए सावधान रहिए, अपने लाइफ को ऐसे प्रोग्राम कीजिए कि इंद्र तृप्ति से बचे, क्योंकि इंद्र तृप्ति में घुसने से मतलब है हम अपने भक्ति को नीचे कम कर देते हैं, आपका उत्साह खत्म हो जाएगा उससे, और धीरे धीरे जो है वो इंटेंसिटी भक्ति की जो है वो खत्म हो जाती है। समाधान, जब हमने सोच ही लिया कि ये जन्म हमको भगवान की सेवा में देना है तो क्यों ना अच्छे से दे दे, क्यों ना फुल फोर्स लगा के भक्ति किया जाए। और आप देखोगे जितना आप फोर्स से चलोगे ना, तो हमें हमेशा उदाहरण दो एस्केप वेलोसिटी का। कोई यंत्र को यदि इस धरती से बाहर निकलना है तो उसको एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड उसका स्पीड होता है, उससे भागना पड़ेगा, तब जाके वो गुरुत्वाकर्षण के फोर्स को पार करके बाहर निकल जाता है। तो वैसे ही अगर आपको माया के उस फोर्स से बाहर निकलना है तो उतना इस वेलोसिटी से आपको भागना पड़ेगा भक्ति में, एकदम जबरदस्त भक्ति में लगना पड़ेगा, तब जाके आप देखोगे आपको माइंड जो है फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस रहेगा और हम इसी दृष्टि से बच पाएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास मेनली यही था, अवॉइड सेंस ग्रेटिफिकेशन, इन दृष्टि से बचिए, ये था। तो किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट है तो आप बोल सकते हैं, समय हो गया है लगभग। हाँ बोलिए माता जी। कविता माता जी आप पूछिए। ये भगवान के नाम जप करते हम तुलसी माला लेते हैं ना, हाँ। तो बाकी के भी भगवान रहते हैं ना सब, तो सबका सबके नाम को तुलसी की माला ही लेना चाहिए। अभी घर में पूछते हैं ना तो वो घर में अलग कोई भगवान शिव शंकर का कोई देवी का तो बोलते हैं, तो माला कौन सी लेनी चाहिए, तुलसी की या फिर? हाँ नहीं, तुलसी माला में केवल आपको कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र जप करना चाहिए, हाँ। क्योंकि तुलसी जो है वो पर्टिकुलरली इसी मंत्र के लिए बनाई गई है, तो बेस्ट वही रहेगा। क्या जो नए लोग होते हैं उनको पता चलता है वो एक ही माला पे सब कुछ करते हैं, बट हम लोगों को खासकर भक्तों को, एक्चुअली भक्तों को और कुछ नाम जप करने की दरकार ही नहीं है आइडियली, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ करते हैं
तो वो दूसरी माला पे कर सकते हैं, तुलसी माला पे मत कीजिए। तुलसी माला, तुलसी स्पेसिफिकली मेंट फॉर कृष्ण, तुलसी जो है वो केवल कृष्ण के लिए ही वो बनी है, विष्णु तत्व वगैरह, और कहीं तुलसी का इस्तेमाल नहीं होता। कोई देवता होता किसी को चढ़ा करता तुलसी, भोलेनाथ का करते हैं तो वो तुलसी की माला नहीं लेते है ना? नहीं, नहीं लेना चाहिए। हाँ, वो दूसरी रहती है, रुद्राक्ष रहता है और अलग रहता है, उसमें कीजिए। बट तुलसी माला केवल कृष्ण के लिए बनी है, तुलसी कृष्ण प्रियासी। हरे कृष्ण अरुणा माता जी, आप पूछिए पहले। हाँ प्रभु जी, वो एक तरह बुक रीडिंग में क्वेश्चन था आज का। हाँ, आप बोले थे ना करेंगे। हाँ, तो वो जैसे मैं बता रही थी कि मैंने ऐसे सुना था एक भागवतम के लेक्चर में कि स्वर्ग लोक में मतलब इंद्र भगवान जब भगवान का जन्म दिवस मनाते हैं तो बड़ा महोत्सव करते हैं, तो वो जब भोग लगाते, वो लोग जब लगाते हैं तो हम लोग विग्रह को लगाते हैं ना, वैसे वहां पे भगवान स्वयं आते है ना। तो ऐसा एक प्रश्न था माता जी का, वो कह रहे थे कि इतना मतलब भगवान को देखने के बाद भी वो जो लोग हैं वहाँ के स्वर्ग के जो जाते हैं वहाँ पे, फिर भी उनमें मतलब वो चेंज, वो एक एक्चुअली मुझे भी ऐसा लगा थोड़ा कि एक बार भगवान को देख लिया लेता है अगर कोई, हाँ, तो उसको कोई इच्छा नहीं रहती वापस, फिर उसको भगवान नहीं चाहिए, फिर और कुछ नहीं चाहिए, फिर वापस कैसे वो अपने पुण्य कर्म खत्म होने पे वापस जाते हैं, जैसे वापस आते हैं यहाँ पे अर्थ में, तो फिर वो मतलब कैसा चलता है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा आप बताइए, अभी जब भगवान कृष्ण मौजूद थे द्वारका में तो इन असुरों ने भगवान को देखा था कि नहीं देखा था? हाँ देखा था। तो फिर असुर वृत्ति वाले जो लोग हैं ना, भगवान सामने के खड़े भी हो जाएंगे तो भगवान को मारने के लिए दौड़ने लगते हैं, दौड़ेंगे लोग। तो पॉइंट ये नहीं कहता देखने का, इसलिए तो भगवान, इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहे, डोंट ट्राई टू सी गॉड। भगवान को देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आपका हृदय जो है, अभी मान ली हमारे सामने भगवान है, क्या मांगेंगे हम लोग? हे भगवान मेरे को 2 BHK फ्लैट दिला दे, हे भगवान गाड़ी दिला दे, हे भगवान ये गाड़ी, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। तो मोर इम्पोर्टेंट है प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। तो भगवान, इसलिए देवता लोग क्या है, देवता से समस्या क्या है कि ये लोग सेमी प्यूरिफाइड लोग हैं, मतलब प्यूरिफाइड है, हमसे ज्यादा शुद्ध है 100%, बट पूर्णतया शुद्ध भक्त नहीं है। तो ये भक्त है लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है। तो लेकिन भगवान इनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हैं, तो ये देखते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनका गुणगान करते, सब करते, लेकिन फिर इतना इंद्र तृप्तियां है कि फिर भूल जाते हैं। अब ब्रह्मा जी को देखिए, ब्रह्मा जी खुद देखे भगवान को बुलाए धरती पर और खुद भूल जा रहे कैसे लीला कर रहे, यही तो माया सकती है ना। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम टेंपल आते हैं, टेंपल है, भगवान को देखे हम, डीटी को देखे, भक्तों को देखे, हम सेवा किए, नाम जप किए, कितना मजा आया, हम लोग मन में बहुत डिटर्मिनेशन सब कुछ आया, लेकिन फिर जैसे ही बाहर निकलते भूल जाते हैं ना, यही तो है फॉरगेटफुलनेस। तो जो भूलने की बीमारी हम लोग को लग रखी है इस भौतिक संसार में, सबसे बड़ी समस्या है भूल जाते हैं हम लोग, कोई हम पर कोई उपकार क्या भूल जाते हैं, भगवान का कोई अच्छा स्मरण भूल जाते हैं, है ना। तो ये इसलिए वजह से हम लोग फिर से धोखा खा जाते हैं। तो इसलिए जो लोग प्योर ड्यूटी होते हैं वो कभी, दे नेवर फॉरगेट कृष्णा, दैट्स देयर, उनका एक कंडिटी ये है कि वो कभी भगवान को भूलते नहीं है। ठीक है माता जी। हाँ हाँ प्रभु जी, अभी क्लियर हुआ, थैंक यू। प्रभु जी मेरे छोटा सा डाउट है। हाँ एक्चुअली हम लोग पूजा करते हैं, सब करते हैं, ठीक है, और मतलब मेरे घर में तो स्पेशली मतलब मेरे हस्बैंड ना भोलेनाथ जी की बहुत सेवा करते हैं, मैं उनकी सेवा को नकारती नहीं हूँ, पर मतलब वो कृष्णा को एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसा क्यों? तो क्या है, अभी क्या होता है कि कुछ कुछ लोगों का स्वतः फेथ जो होता है उनके हृदय में, वो भगवान द्वारा ही आता है। अगर वो निस्वार्थ भाव से भगवान शंकर की सेवा करेंगे तो एक दिन कृष्ण भक्त बन जाएंगे 100%। इस कौन में बहुत सारे भक्त हैं जो पहले शिव जी के भक्त थे, हनुमान जी के भक्त थे, बट क्योंकि वो मटेरियल डिजायर से रहित होकर के भक्ति कर रहे थे तो उनको जोड़ दिए भगवान कृष्ण से। बस समय का इंतजार कीजिए, अपने आप ही हो जाएगा। अगर वो सही तरीके से पूजा कर रहे तो शिव जी 100%, शिव जी तो वैष्णव में था सब, वो जोड़ देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन है कि ना, हम ये ग्रंथ शास्त्र
करके भगवान के धाम जा सकते हैं। क्योंकि हम शास्त्र इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं। आप बार बार बुक क्यों पढ़ते हो, अपना स्कूल बुक एक बार पढ़ लिया तो आप एग्जाम दे सकते हो ना, भूल जाते हैं ना। तो वैसे ही हम लोग बद्ध जीवात्मा संसार में भूल जाता है कि उसको क्या करना है, फिर शास्त्र पढ़ते फिर अरे मेरे को तो जप करना चाहिए अच्छे से, मेरे को अच्छे से भगवान की सेवा करना चाहिए। तो भूले नहीं बोल करके किताबों में लिए हमको दिया गया है, बार बार पढ़ते तो बार बार मन आता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। इन लोगों ने भगवान को बहुत ही ये दिया, ना तो उनका भक्ति किया और ना बहुत तकलीफ दिया, उसके बाद भगवान के हाथ से उनका वध होके उनको क्या मुक्ति मिला, या अगर मिला तो क्यों मिला? हाँ तो ये तो प्रभु जी आप जान सकते ना कि जैसे ये लोग तो जय विजय थे और ये लोग तो भगवान के नित्य पार्षद है, लेकिन भगवान से युद्ध करने लोग आए, भगवान को लीला करनी थी, तो इनको भगवान भी जब अपने किसी व्यक्ति कोई वैरी बनाते हैं, एनिमी बनाएंगे तो भी वो किसी क्वालिफाइड व्यक्ति को बनाते हैं, कोई भी ऐरा गरा व्यक्ति थोड़ी भगवान के साथ युद्ध कर सकता है। तो इसीलिए ये सब लोग बड़े महान भक्त थे भगवान के और लीला में पूरा फुल एनिमी रोल लेके आए पूरा, तो ये भगवान की इच्छा से ये हुआ है। और वैसे महाभारत जितने लोग भी देखिए भगवान के नियम है, उनकी इच्छा है कि भगवान जिसको मुक्ति देना चाहते हैं वो कोई ना कोई बहाने से उसको दे देंगे, और जिसको नहीं देना चाहते हैं तो वो, क्योंकि भगवान सबका इतिहास सबका पास्ट प्रेजेंट सब कुछ उनके खाते में लिखा हुआ है, हम लोग केवल एक दो उनके जन्म को देख पाते लेकिन भगवान पूरे उसको देख लेते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था कि शास्त्रों में कृष्ण अवतार की चर्चा है या विष्णु अवतार, जैसे कि हम भगवान का पहला अवतार कश्यप अवतार मानते हैं, ऐसा तो एक मत्स्य अवतार कश्यप अवतार देन उसके बाद बारह अवतार, तो ये विष्णु अवतार है या कृष्ण अवतार? यस। तो शास्त्र क्या बोलते हैं? ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद बस हम लोग रुकेंगे, बहुत समय हो रहा है। तो शास्त्रों में अक्सर वेदों में विष्णु भगवान को ज्यादा प्रधानता दी गई है हर मंत्र में, क्योंकि कृष्ण जो है ना वो एक कॉन्फिडेंशियल अवतार है, वो लीला अवतार है, और कृष्ण का जो लीला है वो हर व्यक्ति समझ नहीं सकता, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल लगता है, क्योंकि भगवान को पूर्ण रूप में जानना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस कलयुग में भगवान कृष्ण जब ये जो द्वापर युग में आए अपने पूर्ण रूप में, तो श्रीमद् भागवत जैसे जो प्योर ग्रंथ है वही लोग जो है कृष्ण का वर्णन पूर्ण रूप से करते हैं। तो जन साधारण व्यक्ति के लिए जो शास्त्र है उसमें विष्णु के बारे में ज्यादा चर्चा है, लेकिन इसलिए इस भागवतम में क्या गया तथा परम हंसा नाम, ये ग्रंथ परम हंसों के लिए है। किन लोगों के लिए? निर्मत्सरानाम सताम, जिनके हृदय में कोई मत्सरता नहीं है। अब बताइए कौन है संसार में जिसके हृदय में भगवान के प्रति मत्सरता नहीं है? कोई है? बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो रियली भगवान से एनवी नहीं करते, बाकी 99% लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो उन लोग के लिए ये ग्रंथ है ही नहीं, वो लोग इस ग्रंथ को समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य भगवान स्वयं जब आके प्रचार करते हैं तो भगवान हम जैसे मत्सर लोगों को भी ये भागवत को समझने का मौका दे रहे हैं। आप इस बात समझिए, हमारे हृदय में भी भगवान के लिए ईर्ष्या है, हम ये डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि महाप्रभु की बहुत एक्सट्रीम कृपा है, इसीलिए महाप्रभु हमको ये मौका दे रहे हैं कि आप ये भागवत को समझ जाओ। हाँ तो इसीलिए हम कृष्ण के बारे में जान पा रहे, नहीं तो बहुत मुश्किल है कृष्ण के बारे में जानना और समझना कि परम भगवान है। दैट्स व्हाई, तो यही तो ग्लोरी है श्रील प्रभुपाद जी का, ऐसे प्रस्तुत किया भगवान को कि बच्चा बच्चा जान जाता है कृष्ण परम भगवान है। ये उनके एम्पावरमेंट, ये ही इज एम्पावर्ड फॉर इट, वो इसके लिए एम्पावर्ड है वो। अच्छा ठीक है, तो हम यहीं पर विराम देंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा।